कहा जाता है कि मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की चार उद्देश्य होते हैं, सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए? ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए? और इसका केवल एक ही उपाय, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है, स्मरण रखिएगा। मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या है?
कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वितृष्णा आ जाती है, और जिसके प्रति घृणा होती उसके लिए एकाएक आपके मन में प्रेम उमड़ आता है? कारण है दृष्टिकोण। चूंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है, इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी, हर पल आनंद में रहना है, तो अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। सागर तो आप सभी ने देखा होगा, बाहर से कितना उन्मुक्त और भीतर से कितना शांत। उसकी बलशाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो सब कुछ चूर चूर कर देगी, परंतु उसके गर्भ में ना जाने कितने अनदेखे अनजान जीव पलते हैं। उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है। सागर एक है, परंतु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है, कोई उसमें अपने पांव भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है, तो कोई तट पर बैठकर सागर की लहरों को निहारता है, कोई उसमें जीवन का आरंभ देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है। सागर एक है, परंतु हमारी प्रकृति के अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है। इसी प्रकार जीवन है सबके लिए समान, परंतु उस जीवन में आपको प्रसन्नता देखनी है, प्रसन्नता पानी है, या आपको पाना है अवसाद, ये आप पर निर्भर करता है। विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास, दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं। क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो, यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें, आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करें
और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। मेरे आपके हम सबके जीवन में एक दुविधा आती है, या ये कहे कि सदा रहती, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अधिकतर मनुष्य सोचते हैं कि जिसे हमने अपने कानों से सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी इंद्रियों से जाना, वही सत्य है। क्या सच में यही सत्य है? ये भी तो हो सकता है कि जिसे हमने देखा, सुना, जाना वो असत्य का प्ररूप हो। विचित्र पहेली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, क्योंकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है। तो सत्य है क्या? सोचिए, सत्य वो नहीं जिसमें हमारा हानि लाभ छिपा हो, सत्य वो नहीं जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, सत्य वो है जिसमें जीव मात्र का कल्याण छिपा हो, सत्य वो है जिसमें कटाक्ष ना हो, प्रेम हो, सत्य वो है जिसमें स्वागत हो। जिस प्रकार शरबत कभी कड़वा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य भी तीखा, कटु या चोट पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसी नाते कभी कभी असत्य भी सत्य का ही एक रूप होता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की बातें करता है, सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है? दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई ना कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित
कर ही देती है असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धोनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धोनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती? ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाओ। क्यों? शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है, और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते। तो इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का अन्याय का विरोध कीजिए, और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त कितना हल्का अनुभव करेगा। हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि किसके समक्ष झुका जाए और किसके समक्ष ना झुका जाए। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि एक स्वाभिमानी किसी के समक्ष नहीं झुकता, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसका आकार बड़ा होता है वो झुका हुआ है। विभिन्न मत हैं इस विषय में, परंतु सत्य क्या है?
क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया? विचित्र पहेली है ना। वास्तविकता में ये सब परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना भी। यदि आपको ऐसा लगे कि ये बात अनुचित है, आपके मन आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि ये अनुचित है, तो ना झुकिए। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है परंतु अपनी आयु, अपने पद, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे, तो तुरंत नतमस्तक हो जाइए, तुरंत झुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए, सुनी है ना। और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना से, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। सबके मन का सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे बड़ा लालच क्या है, सबसे बड़ी चिंता क्या है? तनिक विचारिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी चिंता है मृत्यु। सभी सोचते हैं, सभी भय खाते हैं कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। सभी लालच करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल जाए।
सभी आशा करते हैं कि वे कभी ना मरे, और इसी मृत्यु के भय के कारण ही आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं जिसे आप जी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आप मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाना तभी संभव होगा जब आप मृत्यु के भय से निकलकर अपने जीवन के हर पल का उपयोग करना सीख जाएंगे। तो मृत्यु के भय से बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, अपने जीवन के हर पल को जियो। ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सबको अमर रहना, सदा जीवित रहना है। आप भी सदा जीवित रहना चाहते होंगे, अपने संतान और उनकी संतान को आनंद करते देखना चाहते होंगे, अपना व्यापार बढ़ते देखना चाहते होंगे। परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो यही कहा है कि कोई भी अमर नहीं, किसी ना किसी रूप में कोई रोग, विनाश या मृत्यु आपको पकड़ ही लेंगे, है ना? परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आप अमर हो सकते हो, आप सदा जीवित रह सकते हो, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं। जानते हैं ये दिया क्या कर रहा है? ये दिया अमर हो रहा है, अपनी लौ से अनेक दिए जलाए। हाँ, कुछ समय पश्चात ये स्वयं बुझ जाएगा, परंतु अपना प्रकाश जीवित रखेगा। और यही सीधा सा रहस्य है अमर होने का, क्योंकि दीपक का अस्तित्व उसके प्रकाश से है। प्रकाश नहीं तो दीपक समा, और यदि प्रकाश जीवित रहेगा तो दीपक का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है, मृत्यु तब होती है जब हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा ज्ञान, हमारा सम्मान मर जाता है। इसीलिए अपने ज्ञान, सोच और प्रेम को बांटे ठीक इस दीपक की भांति, जिससे कई दीपक जलें और वो कुछ और दीपक जलाएं, और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। स्मरण और मरण, सुनने में दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अपने जीवन के प्रारंभ से स्मरण कीजिए तो सबसे पहले आपको किनका स्मरण होता है? उनका, जिसने आपके जीवन को आनंद से भर दिया, प्रसन्नता के पलों से भर दिया, या उनका, जिसने आपके जीवन को कष्टों से भर दिया। जो भी इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, परंतु जो केवल अपने लिए जीता है उनका केवल मरण होता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीते उनका सदा स्मरण होता है। और जिनका स्मरण होता है वो मृत्यु के बाद भी नहीं मरते। कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी, और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौट कर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल
लौट कर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हो, परंतु मैं खा रहा हूं। वर्षों पहले किसी ने यहां आम बोए, यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम खाते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी संतति भुगतती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या काटे उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस वृक्ष पर फल लगेंगे और मैं उन मीठे फलों के रस को चख पाऊंगा। हंसी आ गई ना आपको? आप भी सोच रहे होंगे कि भला कौन सा मूर्ख बबूल के पेड़ को बोकर आम खाने की इच्छा रखता है। यदि कांटे बोए हैं तो फल नहीं कांटे ही मिलेंगे। देखा, रक्त बह गया। ठीक ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ होता है। हमारे बुरे कर्मों का फल कभी शुभ नहीं हो सकता। जो हाथ अस्मिता लूटने को आगे बढ़ेंगे उन हाथों को कटना होगा। जो दृष्टि बुरी बनकर स्त्री पर पड़ेगी उन्हें अनजान नहीं रक्त के अश्र भोगने होंगे। जिसने अपने जीवन में छल किए उसे अपने ही छल के भार तले दब कर मिट जाना होगा। समय रहते जिसकी आंखें नहीं खुली समय उसकी आंखें बंद कर देता है। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है। वो उनका अधिकार उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद अपने लाभ के लिए करता है। अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है। जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे। उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वश्म में परिवर्तित भी कर देती। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। हम में से ऐसा कोई नहीं
जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या गृह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्तावश जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। हम सभी के जीवन के लिए मित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने जीवन में अपने अपने मित्र चुनते हैं। मित्र वो होता है जिसके साथ रहने में, जिसके साथ समय बिताने में आनंद मिले। किंतु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है? मित्रता होनी चाहिए जल और दूध की भांति। जो एक साथ सदा मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं। जब दूध उबलता है तो जल भाप बनकर उड़ता है ताकि दूध का अस्तित्व बना रहे। जब यह मिश्रण उफनता है तब दूध पात्र से पहले गिरता है ताकि वो जल को बचा सके। मित्रता भी इसी प्रकार होती है। किंतु यदि दूध में तनिक भी खटास आ जाए तो वो दूध को फाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार यदि मित्रता में संदेह आ जाए तो वो मित्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्र बनाए किंतु झूठे संदेह से सावधान रहे। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? अच्छे मित्र, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे।
परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे। आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र और कोई नहीं। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ, इसका उत्तर तो बड़ा सरल है। यही ना, परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना। सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती, मित्रता हमें बराबर करती है। इसलिए नए मित्र अवश्य बनाइए, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा मत। आप किसे मित्र मानते हैं? उसे जो आपसे मीठा बोले। और शत्रु किसे मानते हैं? उसे जो आपसे कड़वा बोले। नहीं, शत्रुता और मित्रता दोनों का निर्णय उनकी बातों से नहीं होता। कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रु हो सकता है, और कभी कभी कड़वा बोलने वाला आपका मित्र। ठीक उसी भांति जैसे मीठा सोम रस हानिकारक होता है और कड़वी औषधि लाभदायक, इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानिए। क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होती कि वो शत्रु है या मित्र। संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच? नहीं। कामना? नहीं। क्रोध? नहीं। तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा। यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है तो वो है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक धूर्त और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक धूर्त और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा।
धूर्त या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं, यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है, इससे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। हमारे जीवन में दो संबंधों का बड़ा महत्व है, क्योंकि दोनों सीधे हृदय से जुड़ते हैं, एक मित्रता और दूसरी शत्रुता। हृदय से जुड़ने वाली मित्रता और शत्रुता अधिकतर हमारे वचनों से जन्म लेते हैं। जब हम सफलता के कारण अधिक उत्साह में होते हैं या किसी हानि के कारण आक्रोश में होते हैं, उस समय हमारे वचनों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला उसे हमारा अहंकार समझकर हमसे मित्रता तोड़ देता है, या अपना अपमान समझकर हमसे शत्रुता साध लेता है। क्रोध उस उबलते जल के समान होता है जो शत्रु को जला पाए या ना जला पाए, किंतु वो स्वयं को भाप बनाकर अवश्य नष्ट करता रहता है। इसलिए मुख से वचन निकालने से पूर्व श्रेयस्कर यही है कि उसे आत्मा के तराजू में तौल लिया जाए, क्योंकि एक पल में निकला हुआ वचन कई जन्मों तक दंड बन सकते हैं। शांति किसे नहीं चाहिए, मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है, वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है? कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पाद को तो जन्म नहीं दे रहे? क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती, अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आप दस सके। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा।
सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए, जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़े मायने रखते हैं। मित्र वो जो हमारा हित चाहे, जो हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करे, हमारा साथ दे। कुछ मित्र जन्म से होते हैं, कुछ मित्र हम स्वयं बनाते हैं, कुछ मित्र परिवार में मिल जाते हैं, तो कुछ मित्र जीवन की यात्रा में। परंतु शत्रु हमें जीवन में कभी भी मिल जाते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि वास्तविकता में आपका सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके भीतर छिपा बैठा है, और वो है आपका क्रोध। आप जिनसे रुष्ट होते हैं उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परंतु तनिक शांत मन से सोचिए, जिन्हें आप हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा करने से पूर्व आप स्वयं भीतर से जलते हैं। क्रोध एक सुलगते हुए अंगारे के समान होता है, जिससे आप अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व आपको स्वयं उस सुलगते हुए अंगारे को उठाना पड़ता है, और शत्रु से पहले स्वयं को जलना पड़ता है, उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यदि आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति पानी है, तो पहले आप स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों, या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है, या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं, या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे, हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे, तो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है, और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना। परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, क्योंकि ये हमें किसी भी क्षण
उचित से अनुचित की ओर, धर्म से अधर्म की ओर ढकेलता है। ये एक क्षण में हमारा परिवार तोड़ सकता है, हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है। इसलिए यदि सफल होना, श्रेष्ठ होना है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। यदि मन अनुशासित हो तो उससे अधिक सृजन कोई नहीं कर सकता, और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विध्वंस कोई नहीं कर सकता। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कभी किसी के यहां अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य। कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है, कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते, और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम्।